ओके, चलिए अब नेक्स्ट मैट्रिक्स समझते हैं, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। राइट, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो बहुत आसान है, बट इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैट्रिक्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जहाँ पर हमको सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की हेल्प लगती है। क्लियर? तो डेफिनेशन हम समझें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी अ सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ ज़ीरो। ओके, अगर कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए सॉल्व हमेशा डिटर्मिनेंट को किया जाता है, मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं किया जाता। अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका हम डिटर्मिनेंट लें और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाती है, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी अ सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो एंड नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। राइट, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, और इन्वर्टिबल। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर एक अगेन टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो उसके अंदर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर वो नॉन सिंगुलर है तभी उसका इन्वर्स पॉसिबल होता है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उन मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। तो अपन सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से कुछ एग्जाम्पल बनाएं, जिसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए पहले बनाते हैं। सपोज अ मैट्रिक्स ए, अब हमको ऐसी मैट्रिक्स लेनी है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए, जैसे हम 6 यहाँ पर मैंने ले लिया, 2 6 यहाँ पर भी ले लिया मैंने सपोज 2, ठीक है, या मैं यहाँ पर 12 ले लेता हूँ या 1 ले लेता हूँ। क्लियर, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2x2 ऑर्डर की, ठीक है, और हमेशा उन्हीं मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया जाता है जो कि पहले स्क्वायर हो, तो इसलिए मैंने जो मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया है वो स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। ठीक है, तो इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 6 12 1 2। क्लियर, अब देखिए ये सिंबल चेंज हो गया, ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स को, और ये मॉड वाला जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है डिटर्मिनेंट को। और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल आसान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऊपर से नीचे मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, नीचे से ऊपर मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 6 2 12, नीचे से ऊपर मल्टीप्लिकेशन करने पे माइनस आता है, 12 1 12, दोनों को सबट्रैक्ट किया आंसर आ गया 0, मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जांपल बनाना चाहें, तो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, जिसके एलिमेंट्स हैं सपोज 1 2 3 5, और इसका हमने डिटर्मिनेंट लेने पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 1 2 3 5, और इसको हम सॉल्व करें अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 5 1 5 माइनस ऑफ 3 2 6, रिजल्टेंट आया -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ये जो मैं एग्जांपल हुआ वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हुआ। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स में हम और भी कैसे समझ सकते हैं, जिसे हम एवरी स्क्वायर ज़ीरो मैट्रिक्स की बात करें, कोई भी मैट्रिक्स जो कि ज़ीरो हो साथ साथ स्क्वायर हो, तो ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है सिंगुलर मैट्रिक्स को, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट हमेशा ज़ीरो ही आना है। तो एवरी ज़ीरो मैट्रिक्स, एवरी ज़ीरो स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। राइट, सिमिलरली अगर हम एवरी यूनिट मैट्रिक्स की बात करें, ठीक है, कोई यूनिट मैट्रिक्स है जैसे सेकेंड ऑर्डर की हम ले ली 1 0 0 1, हम यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन सेकेंड ऑर्डर की है, तो मैं यहाँ पर 2 भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा 1 0 0 1, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1 × 1 1, -0 0, फाइनली बचा 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड एवरी ज़ीरो मैट्रिक्स इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके,